PJ-10, जिसे ब्रह्मोस के नाम से जाना जाता है, रूसी अपग्रेड से बेनिफिट हो सकता है। इसकी सीमा लगभग दोगुनी हो सकती है। वर्तमान में ऑफिशियल डेटा के अनुसार स्टेल्थ मिसाइल की अधिकतम सीमा लगभग 500 किलोमीटर है। 2017 के दावों के अनुसार मिसाइल का नेवल वर्जन 800 किलोमीटर की सीमा तक पहुंच गया। हालांकि उस समय यह बताया गया था कि ब्रह्मोस 800 किलोमीटर तक पहुंचने वाला था, लेकिन अभी तक कोई शब्द नहीं आया है कि यह सीमा हासिल की गई है या पहुंची है या नहीं। आज का हमारा वीडियो इसी डिफेंस अपडेट से जुड़ा है। आज हम आपको इस डिफेंस अपडेट से जुड़े सभी रोचक और दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और डेनाइट शैडो चैनल को सब्सक्राइब करें। रूस अपनी P-800 मिसाइल की रेंज को 1000 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। ब्रह्मोस सटीक रूप से ओनिक्स मिसाइल पर आधारित है। ओनिक्स मिसाइलों के एक वर्जन ओनिक्स एम की रेंज 800 किलोमीटर है। ओनिक्स भी रैमसेट पावर्ड है। इसकी उत्पत्ति एक अन्य शीत युद्ध काल के रशियन मिसाइल डेवलपमेंट P-700 ग्रेनाइट से हुई है। ब्रह्मोस भारतीय रक्षा मंत्रालय के इन्वेस्टमेंट के रूप में उभरा। नई दिल्ली ने P-800 ओनिक्स परियोजना के लिए $240 मिलियन के फाइनेंस में मदद करने का फैसला किया, जो उस समय फंड पोजीशन में रुका हुआ था, जिससे मॉस्को हताश स्थिति में था। रूसी मिसाइल में इन्वेस्टमेंट करके भारत ने ओनिक्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम तक पहुंच प्राप्त की, जो आज ब्रह्मोस का आधार है। ब्रह्मोस की 500 किलोमीटर की रेंज हायर एल्टीट्यूड पर परिभ्रमण और बेहतर फ्यूल मैनेजमेंट जैसे चेंजेस के माध्यम से हासिल की गई है। रॉकेट के लिनियर जेट इंजन के क्रूज परफॉर्मेंस को अनुकूलित करके 2017 में 800 किलोमीटर की घोषित सीमा हासिल की जानी चाहिए थी। भारत में सूत्रों के मुताबिक, जो दावा करते हैं कि 800 किलोमीटर की सीमा हासिल की गई है, इनके जरिए भारतीयों ने ईंधन भार बढ़ाकर रॉकेट का वजन कम किया। यदि भारत ओनिक्स अपडेट का लाभ उठाता है और ब्रह्मोस को 1000 किलोमीटर तक अपग्रेड करता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि टॉप स्पीड भी बढ़ने वाली है। 3 साल पहले भी इसी तरह के विकल्प पर बात चल रही थी। उस समय ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के को मैनेजिंग डायरेक्टर अलेक्जेंडर मक्सचेव ने कहा था कि 2.8 मैक से ब्रह्मोस की गति 4.5 मैक तक पहुंच सकती है। इस प्रकार जैसे जैसे रॉकेट की गति बढ़ती है, यह अधिक गति से यात्रा करने की उम्मीद करता है। रूसी प्रेस ने P-800 मिसाइल की अपकमिंग अपडेट की सूचना दी है, लेकिन यह नहीं बताया है कि कब। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, जो मॉस्को के काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खत्म कर रहा है, को देखते हुए यह अपग्रेड कभी भी जल्द नहीं हो सकता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि भारत को सुधार से लाभ होगा, भले ही यह कभी भी हो। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में ब्रह्मोस की रेंज 1000 या 1000 किलोमीटर से अधिक होगी। भारत पहले से ही इस क्षेत्र में रूस पर अपनी निर्भरता से परे मिसाइल की सीमा का विस्तार करने पर काम कर रहा है। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.